निगेटिव विचारों के ऊपर या गलत विचारों के ऊपर 100% पाबंदी लाओ, इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। क्या होता है कि पेसिमिस्टिक और निगेटिव लोग जो है उनसे हमने 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए, आसपास में भी फिरक दे जाना नहीं चाहिए। निगेटिव लोग जो है वो जहर से भी बहुत बुरे होते हैं। निगेटिव लोगों को आपके आसपास में घूमने दिया तो डेफिनेटली आप निगेटिव हो जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके पास में आसपास में निगेटिव लोग हैं ना, आप भी निगेटिव बन जाओगे। निगेटिव आदमी जो है वो उसको यदि दूध के दरिया पे भी भेज दिया या दही के दरिया पे भेज दिया और उसको बोला दही या दूध ला, वो खा लिया तो वापस आएंगा, बोलेंगे वहाँ का दूध बासा था, वहाँ का दूध ठीक नहीं था। क्या होता है कि निगेटिव लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, हरदम पॉजिटिव रहो। एक कहानी आपको बताता हूँ। एक राजा के पास में उसका प्रधानमंत्री था, वो हरदम पॉजिटिव बातें करता था। एक बार तलवार को धार लगा रहा था राजा, तो धार लगाते लगाते उसकी उंगली कट गई। तो वहाँ प्रधानमंत्री जो उसका था वो देखिए बहुत अच्छा हो गया। बोले बहुत अच्छा हो गया? बोले हाँ बहुत अच्छा हो गया। बोले हरदम तो ऐसे ही बोलते रहता है ये अच्छा हो गया मेरी उंगली कट गई तो? बोले हाँ, जो होता है वो भले के लिए होता है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोले ठीक है, इसको पकड़ो, डालो जेल में। वो तो प्रधानमंत्री को सरदारों ने, उसके जो बॉडी गार्ड थे, उन्हें पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद जब राजा शिकार को गया जंगल में, तो रास्ता भूल गया, अकेला घूम रहा था और उसको आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया। उनको बलि देना था, तो बलि के लिए उन्होंने आग जलाई थी और उसके आगे आस पास में वो डांस कर रहे थे, हु हा डांस चालू था, और अभी उनको राजा को बलि देना था। उतने में एक आदमी को दिख गया कि इसका अंगूठा कटा हुआ है। अरे बोले, अंगूठा कटा हुआ, ये आदमी चलता नहीं, अपूर्ण आदमी है, इसका बलि देवी को चलता नहीं, और उसको उन्होंने छोड़ दिया। राजा वापस आ गया। तो राजा को उस दिन का याद आया, बोले 2 महीने पहले मैंने प्रधानमंत्री को बोला था कि मेरी उंगली कट गई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये कैसा गया है? तो अच्छा हो गया, आज उंगली कट गई थी करके मैं छूट गया। तो बोले वापस आ गया और उसको बोले, अरे वो प्रधानमंत्री को जेल में से निकालो बाहर। तो उसको जेल में से बाहर निकाल दिया। बोले थैंक यू वेरी मच, आपने जो बोला था वो सही था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मगर बोले मेरा तो अच्छा हो गया, मैं तो बच गया, मगर तू 3 महीने जेल में था, 2 महीने जेल में था, उसका क्या है? 2-3 महीने हो गए अभी जेल में जाने के लिए। बोले जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोले वो कैसा अच्छे के लिए होता है? बोले देखो, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ, यदि आप मुझे जेल में डालते नहीं थे, आप शिकार को गए, मैं आपके साथ में आता था। आप तो अपूर्ण आदमी हो, मैं तो पूर्ण आदमी था, तो मेरा भी ले जाता था। बोले जो अच्छा हो गया वो अच्छे भले के लिए होता है, जो होता है वो भले के लिए होता है, मैं जेल में गया, मेरी जान बच गई। कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हुआ वो हुआ, अभी क्या कर सकते हैं वो महत्व का है, कि अभी हम क्या कर सकते हैं, रादर देन कि भाई जो हो गया उसके ऊपर नकारात्मक बोलना, नकारात्मक विचार करना, डाउन होना, निराश होना, हताश होना। जो भी हो गया ठीक है यार, जो भी हो गया वो भले के लिए हो गया। आप कैसा उसको देखते हो, आधा ग्लास भरा हुआ है कि आधा ग्लास खाली है, या आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास हवा से भरा हुआ है, आपका देखने का नजरिया कैसा है उसके ऊपर है। हरदम सकारात्मक देखो, हरदम पॉजिटिव देखो, हरदम अपना देखने का नजरिया सकारात्मक और पॉजिटिव होना चाहिए। और वो यदि होता है तो फिर आपको जीत ही जीत है दुनिया में। क्या होता है कि हमको मालूम नहीं है, ये तो अभी मैंने कहानी बताई, मगर आपके आजू बाजू में जो निगेटिव लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके दिमाग में कचरा डालते रहते हैं, आपके दिमाग में कूड़ा डालते हैं, पॉइजन डाल देते हैं, और आपको पता ही रहता नहीं है कि वो डाल रहे करके। देखो, देखिए कि आपके घर में समझो बाजू वाले व्यक्ति ने एक पूरा बोरा भर के कचरा ला के डाल दिया, तो आप क्या करोगे? आप उसको गाली गलौज करोगे, उसको भगा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे और अपना जो ड्राइंग रूम है वो साफ कर देंगे, राइट? समझो दूसरे दिन में आ गया, उसने बेल दबाई, अंदर आ गया, अंदर आके फिर उसने अपना बोरा खराब जो था वेस्ट वेस्ट पेपर बास्केट वो आपके यहाँ खाली कर दिया, कूड़ादान समझो, और आपका हॉल खराब हो गया। आप उसको और पीटेंगे, भगा देंगे और अपना फिर ड्राइंग रूम साफ करेंगे, पहले जैसे ही जैसा का वैसा हो जाएगा। ये तो आपको दिख रहा है, ऐसे तो कितने लोग आपके ज़िंदगी में आते रहते रोज और आपका दिमाग खराब कर देते थे, आपके दिमाग में कूड़ा डालते, कचरा डालते रहते और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। इसलिए आपको बचना है लोगों से, तो आपके आसपास में, आपके लोगों से बचना है तो आपके आसपास में सकारात्मक पॉजिटिव लोग होना जरूरी है। जिससे क्या होगा, जिसमें वो पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा। ऐसा बोला जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अच्छी बातें अंदर डालेंगे तो अच्छी बातें बाहर आएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अंदर क्या डाल रहे हो। आप जो अंदर डालते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर जाके बैठ जाते हैं, अपने मेमोरी बैग में बैठ जाते हैं, और वो अंदर से कीड़ा कांडी करते रहते हैं, अंदर से काटते रहते हैं, अंदर से अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि जो भी मैं रहूँगा, बोलूँगा, चलूँगा, जो भी करूँगा वो मेरे आसपास के
पांच लोग जो है, कम से कम पांच लोग जो आपके आजू बाजू में रहते हैं वो सकारात्मक लोग ही रहेंगे, और ये रहेंगे तो आपकी डेफिनेटली तरक्की होगी। धन्यवाद। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।